इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके सीट कैसे बनाते हैं। देखते हैं, कुछ इस टाइप का बना हुआ है इसका सीट। तो इसको बनाने का एक इजी ट्रिक्स है, हम किस स्प्लाइन को, सेगमेंट को एक बार डिटैच कर लेंगे, डिटैच एज कॉपी। ओके, सेलेक्ट करना है इसको, और इसको मूव कर देते हैं साइड में, टॉप व्यू में जाके। एक सर्कल बना लेते हैं, साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसकी। ठीक है, फ्रंट व्यू में जाना है और इसमें लाइन बनाना है शिफ्ट के साथ, क्लिक एंड एस्केप। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए ऊंचा नीचा। रेस्पेक्टिव अब हम इसमें लॉफ्ट कमांड का यूज करेंगे। ज्योमेट्री कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाना है, एंड ये सिलेक्ट होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद लॉफ्ट में क्लिक करना है। गेट शेप्स एंड पहले शेप्स में क्लिक करना है, सबसे पहले बेस बनेगा ये अपना, तो सबसे पहले इसको क्लिक। उसके बाद आप देख सकते हैं ये बन चुका है इसका सीट के ऊपर। फ्रंट व्यू में जाके F3 दबाएं, यहाँ पे अपने को पाथ दिख रहा है, तो इस पाथ को हमें 100% करना है, इसको प्रॉपर 100% करना है। F3 दोबारा गैप शेप में क्लिक करके दूसरी शेप में क्लिक करना है। अब कुछ इस टाइप का बन चुका है, इसको हमें रोटेट करना है। अब एग्जिट करते हैं, रोटेट, प्रॉपर रोटेट करना है इसको। देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का बन चुका है। तो मॉडिफायर में जाना है, मॉडिफायर में जाएंगे तो क्रिएशन मेथड इसमें भी मिल जाता है। इसमें हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको, शेप्स को। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा सार पेज दिख रहा है। इसी शेप्स में जाके अगर मैं इसको वर्टेक्स को फिलेट करूँ, फिलेट, तो आप देखेंगे इसमें भी फिलेट हो रहा है। ठीक है, लॉफ्ट में जाना है, स्किन पैरामीटर में जाना है। अब इसमें कुछ स्टेप्स दे रखा है, तो आप देख सकते हैं कुछ अजीब सा हो रहा है इसमें। तो हम इसको थोड़ा सा लॉफ्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, शेप्स में जाके इस शेप्स को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। ठीक है,
इसको हम रोटेट स्केल मूव कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप्स दे रखा है तो स्टेप्स को हम बढ़ा सकते हैं। ये कुछ इंटरपोलेशन जिसके जैसा काम करता है। अब यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन को ऑन करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा शार्प पेज नहीं है, ये कुछ ऐसे कर भी आ रहे हैं। उसके लिए हम इसको जैसे ही ऑन करेंगे आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। हम इसकी रेडियस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी भी इसके जैसा शेप्स नहीं बना, तो इसके लिए हम डिफॉर्मेशन की यूज़ में लूँगा स्केल। अब हमें यहाँ पे दे रखा है 100% टू 100% है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इंसर्ट क्रिएशन मेथड लूँगा ये। अब देखेंगे थोड़ा सा चेंजेस आएगा इसमें, देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मूव कर दूँगा। मूव करने के लिए मूव टूल ले क्लिक, थोड़ा सा डाउन करके देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, छोटा भी हो जाए चलेगा, बाद में इसको हम कर लेंगे। इसको लेके इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे तो अब देखेंगे कुछ बनना स्टार्ट हो गया उसके जैसा। इसको राइट क्लिक करेंगे बीजीआर कॉर्नर, इसको आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। इसको भी बीजीआर कॉर्नर आप देख सकते हैं। कुछ इसके जैसा बनना स्टार्ट हो गया। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा और। अब देखेंगे कि कुछ फैल चुका है यहाँ तक, तो इसको थोड़ा सा नीचे इसे हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अब ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर ऊंचा करें ठीक है। एक बार में उसको क्लोज करते हैं। और ये शेप्स में आते हैं, शेप्स का वर्टेक्स, इसको थोड़ा सा स्केल कर सकते हैं हम। वर्टेक्स मोड में जाके
वर्टेक्स को अगर मैं थोड़ा सा डाउन कर दूं तब देखेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करना है, और चाहे तो आप इसको पूरे स्प्लाइन को थोड़ा सा स्केल कर सकते हैं। अब देखेंगे नॉर्मल सीट बन चुका है। इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए, आप देख सकते हैं हार्ड एज दिख रहा है, तो इसको स्मूथ करने के लिए हम इसमें मॉडिफायर डाल सकते हैं, स्मूथ मॉडिफायर। ऑटो स्मूथ को ऑन करना है और आप यहाँ पे ठीक है देख सकते हैं नॉर्मल सीट बन चुका है। अब हम इसको सेव करेंगे, सेव के लिए वही प्रोसीजर, सेव एस, प्लस बटन को दबाएंगे तो हमारी तीसरा फाइल सेव हो चुका है। अब हम इसे मटेरियल डालना सीखेंगे, कैसे मटेरियल इसमें डाला जाएगा, तो उसके लिए मैं एक बार रेफरेंस इमेज को देख लेता हूँ। ये नॉर्मल कलर है, कोई टेक्सचर नहीं है इसके ऊपर, तो हम नॉर्मल कलर लेंगे, सिंपली टाइप करेंगे एम या फिर मेन टूल बार में मटेरियल एडिटर, इसमें खाली स्लॉट लेंगे और नॉर्मली हम देखेंगे तो एक ही कलर है, तो इसमें कलर सेलेक्ट करेंगे कौन सी कलर, लगभग ये कलर लेते हैं, इस टाइप के कलर है। सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे सीट को छोड़ के और असाइन में क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं कलर चेंज करेंगे हो गए। तो अब देखेंगे सीट का कलर चेंज हो चुका है। इसमें जाएंगे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा सा ग्लॉसी हो जाए ऑब्जेक्ट। सीट में जाके सीट का कलर कुछ उसमें ब्लैक है तो हम ब्लैक डाल सकते हैं, तो मैंने नॉर्मल मटेरियल डाला अभी, अब देख सकते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ मैंने नहीं किया, नॉर्मल कलर लिया और रिफ्लेक्शन थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ग्लॉसिनेस को, जैसे मैंने पहले वीडियो में एक बनाया था, बताया था मटेरियल वीडियो मटेरियल के बारे में, जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है एक एक ऑप्शन को, तो आप वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और मैं एक बार रेंडर लूँगा, तो मैं रेंडर के लिए एक सीन बना रखा है देख सकते हैं इसे, जिनमें मैं वीरे कैमरा लगा रखा है और सनलाइट लगा रखा है और ये नॉर्मल टेक्सचर है, टाइल फ्लोरिंग है, इसमें मैं रेंडर लेके देखूँगा। तो आप देख सकते हैं ये बन चुका है जैसे हम चाहते थे, वैसे लगभग लगभग बन चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।
एंड सब्सक्राइब को एंड शेयर करें। धन्यवाद।